नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ एक बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी, सोया चंक कबाब। ये रेसिपी जितना हेल्दी एंड टेस्टी है, बनाना उतना ही इजी। तो पूरा रेसिपी जानने के लिए मेरी इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखना। सोया चंक कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए सोयाबीन, यानी कि सोया चंक, जिसको मैंने बॉईल करके उसके अंदर से पानी अच्छे से निचोड़ लिया। साथ में एक बॉईल पोटैटो, बड़ी कटा हुआ हरी मिर्च, बड़ी कटा हुआ अदरक, बड़ी कटा हुआ प्याज, यहाँ पर मैंने दो प्याज को चॉप्ड कर लिया। साथ में जीरा पाउडर, व्हाइट ऑयल, नमक, गरम मसाला पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। पहले हम एक मिक्सिंग जार लेंगे और उसके अंदर ये बॉइल सोया चंक को डालेंगे। यहाँ पर मैंने 75 ग्राम सोया चंक को बॉइल करके उसके अंदर से पानी को निचोड़ लिया। उसके साथ बॉइल पोटैटो, चॉप्ड हरी मिर्च और साथ में चॉप्ड अदरक। अब मिक्सिंग जार के ढक्कन बंद करके इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंडिंग कर लेंगे। मिक्सी से निकल के इसको हम एक प्लेट में रख देंगे। ग्राइंडिंग के बाद आप देख सकते हो ये एकदम स्मूथ पेस्ट बन चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच नमक और साथ में ये बड़ी कटा हुआ प्याज। इसको हाथ से हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल जाए। कबाब बनाने के पहले हम हाथ में थोड़ा सा व्हाइट ऑयल ग्रेश कर लेंगे ताकि हाथ में कबाब चिपक न जाए। अब इस मिक्सर से एक छोटा सा पोर्शन लेके ऐसे हाथ में दबाएंगे और इसका शेप बिल्कुल टिक्की के शेप का जैसा होगा और इसी तरह हम सारे कबाब को रेडी कर लेंगे। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून व्हाइट ऑयल। अब तेल को अच्छे से गरम करेंगे। तेल गरम हो चुकी है, अब इस फ्राइंग पैन में जाएगा एक कबाब। एक साथ सारे कबाब मत डालना, इसको हम सेलो फ्राई करेंगे। जब कबाब के एक साइड गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तब दूसरे साइड पलट देना और दूसरे साइड भी उसी तरह फ्राई कर लेना। थोड़े टाइम बाद आप देख सकते हो हमारी कबाब रेडी हो चुकी है। अब इसको हम पैन से उठाएंगे और एक प्लेट के अंदर रख देंगे। इस गर्मा गर्म टेस्टी कबाब को सर्व करेंगे चिली सॉस एंड टोमेटो सॉस के साथ। तो रेडी हो गए हमारी डिलीशियस सोया चंक कबाब। ये बाहर से थोड़ा सा क्रंची है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बनाने में बहुत ही इजी। तो घर में इसको जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी दबाना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। शुक्रिया।